जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। तपोवन क्षेत्र में पैंग गांव से कुछ ही दूरी पर 250 मीटर से लंबी झील बन गई है, जिसकी ऊंचाई 25 से 30 मीटर बताई जा रही है। ये झील ऋषि गंगा पर बनी है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने खतरे की चेतावनी दी है। दरअसल 7 फरवरी को तपोवन क्षेत्र में आई आपदा के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के भू वैज्ञानिकों की 2 टीम इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए गई थी। टीम को ऋषि गंगा पर झील बनी दिखी। इसकी सूचना टीम ने प्रशासन को दी। बताया कि भारी भूस्खलन से आए मलबे ने श्री गंगा को रोक दिया है। अगर समय रहते इसे नहीं खोला गया तो ये और खतरनाक साबित हो सकती है। इसी कारण वहां झील भी बनी है। इसमें ये ब्रिज भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम से प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। टीम गई है जिसने कल ये सूचना दी थी, जिसको कि डॉक्टर नरेश राणा लीड कर रहे हैं, वो भी यंग फैकल्टी हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जहाँ पे एक झील फटी उसके ऊपर एक झील और बन रही है, और अगर उस झील को ब्रीच नहीं किया गया तो फिर ऐसे ही आपदा आएगी जैसी अभी आई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट कर दिया और तो शायद वो आज इसको ब्रीच करेंगे। उन्हें करना चाहिए जल्दी से जल्दी।